हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे गाइस। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग रंजीता नीरज ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नहा धो के हो चुकी हूँ मैं फ्री, और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि आजा घर पे आज मिलने के लिए। पहले भी किया था बट मैं गई नहीं थी, तो मैं सोचा आज जाते हैं। फ़ोन आया था उसका, तेरी मिलने शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम मिलूँगी उससे, इससे पहले मैं मिली नहीं हूँ। शादी के बाद नहीं मिली हूँ एक बार, तो आज चलते हैं उसके घर और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जैसे भी पॉसिबल होगा। थोड़ा सा उसका घर भी दिखाऊंगी आप लोगों को, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी थोड़ा सा रेडी वेडी होके फिर निकलते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। ब्लॉग में बने रहिए, पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी नई वीडियो नई कंटेंट अपलोड करूँ तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाए और आप देख सको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी निकलती हूँ रेडी होके, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है, आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। ओके, मैं और क्यारा जाने वाले हैं। ओके, चलते हैं, रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस, मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। मेरी स्कूल फ्रेंड है, मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर और क्यारा है मेरे साथ। और ये है मेरी फ्रेंड का घर, ये है सेकंड फ्लोर। तो गाइस, मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के घर। मेरी स्कूल की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, जो कि हम मिले हैं काफ़ी टाइम बाद। ऐसी कब मिले थे? 2019 में। उसके बाद बीच में तो मिले थे 2020 में। हाँ, उसके बाद अब मिले हैं। वो भी काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था कि मिलेंगे, बट ऐसी कुछ ना कुछ रीज़न चक्कर में नहीं मिल पा रही थी। तो ये बोलती थी मुझे कि मैं बोलती थी शादी कब करेगी, तो बोलती थी कि तेरे दोस्त है। तो ये है मेरी फ्रेंड स्कूल की और बचपन की फ्रेंड है। तो मैं आई हूँ इसके घर पे आज। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, देखते हैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इधर क्यारा शैतानी करने में लगी हुई है। क्या नाम? और ये है इनका घर, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अभी हम लोग बैठे हुए हैं सेकेंड फ्लोर पर, तो यहाँ का है जो भी है वो थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, बाकी कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। और इधर क्यारा बैठी है और इधर मैं, तो जो बैठे हुए हैं। क्यारा किसके पास आई हो? क्यारा वो शू है ना, तुम्हारा की फ्रेंड है। खेल लो नीचे, मम्मा गोदी थोड़े बैठ के, मम्मा का सब खराब हो जाता है। खेल लो, उधर से देख के आओ बाल करने। यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो नीचे गई हुई थी कुछ काम से, तो यहाँ पे क्यारा उसके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार थी। जाते ही पहचान लिया था क्योंकि वो जैसे ही मिली थी फिर गोदी ले लिया था। वैसे तो क्यारा मतलब जाती नहीं है किसी, मतलब नए बंदे नए लोग को देखती है तो जल्दी, बट यहाँ पे मतलब वो आई थी लेने के लिए, हमें रिसीव करने के लिए, तो एकदम से गोदी ले लिया था। तो वहीं पर क्यारा का डर जो था वो ख़त्म हो गया था और क्यारा एकदम से गोदी चली गई थी। और ये है इनका घर, और इधर ये आ गई थी फिर से वापस, फिर आके क्यारा को गोदी लिया। इधर इसकी मम्मा बैठी थी। और ये लोग उड़ीसा के हैं, शायद आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा, उड़ीसा के हैं और मेरी मतलब बचपन की फ्रेंड है। हम लोग साथ में ही पढ़े हैं और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था इससे मेरा, बहुत ज़्यादा मानती थी। अगर मैं थोड़ा गुस्सा भी हो जाती थी तो ये तुरंत रोने लग जाती थी, इतना मानती थी। पहचान गई है तेरे को? पहचान नहीं, तो वैसे जाती नहीं है किसी घर, जाती है ना, तो जाती नहीं है बिल्कुल। आते ही तूने गोदी ले लिया ना, तो इसीलिए पहचान गई है ये। क्यारा मैडम, मम्मी को से हाय बोलो। क्यारा कौन है ये? हाय। कौन है? मारे कुमार। पहले कह रही दीदी फिर कह रही मौसी। कौन है ये? कौन है? तूने बाल स्ट्रेट करवाया था ना? हाँ, खराब हो गया। 4000 तो कहाँ से कराया? सब घुमाओगे सारा मौसम। तो गाइज ये है मेरी फ्रेंड करू। ये मेरी फ्रेंड, नई बेड बनवाए थे घर पे, फ्रेंड हो गए ना वो। अच्छा, ये भाभी करू जा रहे हैं उत्तर। मेरी क्यारा जो कि अपनी मौसम को पहचान ली है, वैसे किसी के पास जाती नहीं है, और आज
अपने आप ही जा रही है, आते ही गोदी ले लिया था ना इसीलिए खाली है क्या ये? अच्छा नीचे भी टीवी लगा रखा है ये दादा दादी है ऊपर। अच्छा इधर भी एक रूम है। बोलो अभी पहना रही हूँ, रुक जाओ चप्पल। ये है आंटी मेरी फ्रेंड की मम्मी, इनसे तो मैं पता नहीं 4-5 साल बाद मिली हूँ। किसको तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यही पेंट। और मैं आ चुकी हूँ घर, मैं आई हूँ 7 बजे, मैं गई थी 5 बजे, 2 घंटे में मैं आ गई हूँ। और काफ़ी अच्छा लगा मिल के, जो उसकी मम्मी थी उनसे तो मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम मिली थी। और मतलब फ्रेंड से मिली थी बीच में, वैसे ही मिली थी मतलब रास्ते में, ज़्यादा बात कुछ नहीं हो पाई थी। उनके घर पर जो गई थी मैं, फ़र्स्ट टाइम गई थी शादी के बाद, तो अच्छा लगा काफ़ी। अच्छा मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं मुझे, क्योंकि हम बचपन से ही साथ में पढ़े हैं, साथ में रहे हैं। मोस्टली ऐसा होता था ना कि दोपहर के टाइम ना मैं उनके घर पे ही खाना खाती थी, ऐसा होता था, इतना मानती थी मम्मी। कि फिर हमारे स्कूल का काम होता था तो हम दोनों साथ में बैठ के करते थे, तो करते थे फिर वहीं पर अपना खाते पीते, बहुत मज़े करते थे, बहुत इंजॉय करते थे, साथ में रहते थे। और उनकी फैमिली भी अच्छी है, बहुत मानती है, मम्मी पापा वगैरह सब लोग, मम्मी भी। तो मिल लिया, काफ़ी अच्छा लगा। और जो मेरी फ्रेंड है ना, वो मतलब देखती है ना तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ना कि पता नहीं उसको क्या मिल गया हो। तो बस चलो मिल के आते हैं, मिल के आ गए, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़े आए। जो भी कुछ था आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी आ चुकी हूँ मैं घर, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, सेफ रहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता चल जाए। अभी के लिए इतना, बाय बाय।